नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच चल रही टेस्ट श्रृंखला का दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है, जिसमें खेल के पहले दिन पाकिस्तान ने 4 विकेट गंवाकर 212 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया है। पहली पारी में वेस्टइंडीज गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों का टिक पाना मुश्किल कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान ने अपने पहले 3 विकेट मात्र 2 रनों पर ही गंवा दिए। इसके बाद कप्तान बाबर आजम और फवाद आलम के बीच 150 रनों की साझेदारी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से इस खेल में लाकर खड़ा कर दिया है। ये मानना होगा कि आज दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस तरह का खेल दिखाया है, दोनों ही तारीफ के हकदार हैं। अब अपनी बल्लेबाजी को लेकर बाबर ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। बाबर ने पहले दिन 75 रनों की पारी खेली। अपनी बैटिंग को लेकर बाबर आजम का कहना है कि उन्होंने लाल गेंद प्रारूप में भी मेहनत की है और परिणाम भी दिख रहा है। अपनी बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए बाबर ने कहा, मैं अपनी लाल गेंद के गेम पर वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मेरी तकनीक में कुछ चीजें थी जिन्हें सुधार की जरूरत थी। हमें अपने रेड बॉल कौशल पर काम करने के लिए कुछ खाली समय मिला और हमने इसका उपयोग करने की कोशिश की। मैंने आज खुद को क्रीज पर रखने का प्रयास किया और नतीजा आपके सामने है। आपको बता दें कि बाबर और आलम के बीच 166 रनों की साझेदारी हुई और इसके बाद फवाद आलम रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन से बाहर चले गए। ऐसी उम्मीद थी कि शायद बाबर शतक मारेंगे, मगर वो भी 75 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम दूसरे दिन इस स्कोर को कितना आगे ले जा पाती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।